मेरा नाम चंदन सिंह काला, ग्राम चालीहाट में रहता हूँ। मैं एक काश्तकार रूप में चाय बागान में काम करता हूँ। और क्या नाम कहते हैं, ये चाय विकास बोर्ड के द्वारा मतलब जो हम लोगों को थोड़ी बहुत सुविधा भी मिलती है और असुविधा भी है हमें यहाँ पर, क्योंकि इसमें रोजगार के संबंध में 100 रुपया रोज मजदूरी मिलती है, जिससे काश्तकार का मनोबल कम हो जाता है। इसमें आपको क्या लगता है कि ये इसमें बढ़ना चाहिए सैलरी? आज की सैलरी बढ़नी चाहिए कम से कम, आजकल के रूल के अनुसार मतलब कम से कम 250-300 रुपया तो होनी चाहिए पर डे का। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे बगान स्थापित किए हुए? करीब मुझे 15 साल हो गए लगभग काम करते हुए। 1850 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उत्तराखंड के अल्मोड़ा बागेश्वर जनपदों में चाय बागान का विस्तार किया गया, जो आज भी जारी है। आज उत्तराखंड में चाय बागान का विस्तार हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, मनरेगा के तहत भी और बागान के तहत भी। चाय बागान पर काम करने वाले सामान्य मजदूरों का ये कहना है कि उनकी मजदूरी कम है और दूसरी तरफ कंपनी जो कि चाय का उत्पादन करती है वो बेशुमार मुनाफा कमा रहे हैं। कितने साल से चाय बागान में आप काम कर रहे हो? ये 30 साल लग गया इधर। क्या लगता है चाय का ये काम कैसा लगता है आपको? ये तनख्वाह इतने पैसों से अपना गुजारा हो नहीं पाता है। कितनी मजदूरी मिल जाती है आपको? अभी तो 125 मिलती है। अच्छा, तो क्या चाहते हो आप? बढ़ना चाहते हैं पैसे। मैं कम से कम 12 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कम से कम 30-35 कर्मचारी काम करते हैं, काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिला है। तो इतना ही दिक्कत है कि इसमें सैलरी कम है। कितना मिल जाता है आपको? जैसे हमें टी बोर्ड की तरफ से 108 रुपये पर डे है और क्या नाम कहते हैं जो मनरेगा की तरफ से करते हैं उन्हें है 125 रुपये। इससे कुछ दिक्कतें आती है जिससे घर का खर्चा नहीं चल पाता है। एक तबका बेशुमार मुनाफा कमाए और दूसरा मजदूर तबका कम मेहनताने में अपनी मजदूरी कायम रखे। मजदूर चाहते हैं, चाय बागान के ओनर्स चाहते हैं कि उनकी मजदूरी बढ़े, उनका मानदेय बढ़े। उत्तराखंड से मैं विपिन जोशी, इंडिया अनहर्ड और वीडियो वॉलंटियर के लिए।